पेट्रोल प्राइस चेक कर लो यार, 100 रुपए का हो चुका है आज। मोदी जी कुछ करिए पेट्रोल का, कुछ करिए, बहुत महंगा हो रहा है। तो अभी यहाँ पे दो दो मैकेनिक्स आ चुके हैं देखने की क्या फर्दर सॉल्यूशन बनता है इस चीज़ का। एक प्रॉब्लम तो स्पॉट हो चुकी है हमें, वो है इंजन की। सो हियर कम्स माय बारबेक्यूज। सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट दो दिन से मैं कम्प्लीटली रेस्ट कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे कि कुछ भी काम करने का कोई भी मन नहीं कर रहा था। बहुत थोड़ा थोड़ा बाहर जाता था तो उस सब में ऐसा था कि कोई कंटेंट नहीं था जो मैं आपको दिखा सकूं। सो कल शाम को एक इश्यू हो चुका है गाड़ी के साथ, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि लास्ट 2-2.5 महीने से गाड़ी बंद पड़ी थी, उसका कोई यूज़ नहीं था। तो अभी हम चलते हैं फिलहाल सर्विस स्टेशन एंड रास्ते रास्ते में बात करते हैं आपसे। सो अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर, आप एक बार मौसम चेक कर लो, मतलब क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है बिल्कुल एकदम यहाँ पे। सो अभी हम आ चुके हैं सिटी से बाहर एंड जा रहे हैं अपने सर्विस स्टेशन की तरफ। एक्चुअली मेरा प्लान बन रहा है कि मैं भदरवाह जाऊँ क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ एरियाज हैं जो हाई अल्टीट्यूड पे, वहाँ पे बर्फ मिल जाएगी अभी। बट दिक्कत बस यही है कि गाड़ी में एक तो फैन बेल्ट में आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा और साथ में थोड़ी बहुत और साउंड आ रही है इंजन से, वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आई एम नॉट दैट मच इन टू दैट स्टफ। वो मैकेनिक वाला, वो तो मैकेनिक ही बता पाएगा ना, बात वही है। अगर आज गाड़ी मिल जाती है शाम तो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में आपको भदरवाह की बर्फ दिखने को मिल जाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आ गया सर्विस सेंटर, मारुति वाले में तो नहीं दूंगा गाड़ी में क्योंकि कंपनी में डाली तो फिर बहुत लेट आने वाली है। इधर लगाएंगे हम गाड़ी अपनी, बट फिलहाल यहाँ पीछे से बस वाला जा रहा है, उसको साइड लेनी पड़ेगी। यहाँ आ गया सर्विस सेंटर हमारा, यहाँ गाड़ी छोड़ेंगे बट फिलहाल मैकेनिक को बुलाते हैं। सो अब चल रहे हैं अंदर, हम यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी एंड देखते हैं फिर चेक करके क्या क्या इशू आ रहा है गाड़ी में। तो फिलहाल तो एक इंजन ऑयल लीक हो गया है इसमें, जो ये मसला आ रहा है मेन, जिसकी वजह से यहाँ से ना धुआं निकल रहा है एकदम, और एग्जॉस्ट का एक नट खराब हो चुका है, साथ में कूलेंट भी हमें डालना पड़ेगा इसमें। तो अभी यहाँ पे दो दो मैकेनिक्स आ चुके हैं देखने की क्या फर्दर सॉल्यूशन बनता है इस चीज़ का। एक प्रॉब्लम तो स्पॉट हो चुकी है हमें, वो है इंजन की। तो गाइस गाड़ी छोड़ ली है यहाँ पे हमने सर्विस स्टेशन में एंड यहाँ से अब पैदल जाना है घर मुझे। इसी बहाने मेरा वॉक हो जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ। मेरा प्लान था कि घर आके रनिंग स्टार्ट करने की, बट यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि सुबह उठा भी नहीं जाता। अभी मैं सुबह 10 बजे उठाऊँ नींद से, तब जाके मैं 11 बजे गाड़ी सर्विस पर डालने आया। सब मोटा मोटा बता रखा है 3-4 प्रॉब्लम्स गाड़ी में एग्जॉस्ट वगैरह की। अब इसने तो कहा है कि शाम में हो जाएगा काम क्योंकि मैं रेगुलरली यहीं से कराता था, तो लेट्स सी क्या होता है अब। तो गाइस अभी मैं पहुंचा कुछ इस तरह की जगह पे, यहाँ से व्यू चेक कर लो एक बार। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ से घर पहुँचने के लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊँगा आज क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है और अभी मैं सिटी के अंदर भी नहीं पहुँचा हूँ। गलत डिसीजन था मेरा ये पैदल आने का। तो गाइस पहुँच गए हम वापस एंड यहाँ लगी हमारी कार, फिर से थक चुका हूँ मैं, पैदल आना पड़ा एंड लेट्स सी क्या हिसाब रहता है, कैसा काम हुआ है। गाइस गाड़ी एकदम ओके रखी है, बस इसमें गंद लगी बट इसको वॉश कराना पड़ेगा, बाकी एकदम मक्खन की तरह चल रही है, ना कोई इंजन में ऑयल लीक हो रहा है ना कोई कुछ, एकदम नीचे से भी सारा क्लियर है। बस अब इसको वॉश कराने ले जाएंगे और निकलेंगे यहाँ से हम जल्द से जल्द क्योंकि बहुत गंदी हालत हो रखी है इसकी। इफ़ एनी नीट एस्पिरेंट इज वॉचिंग दिस, कैन यू टेल मी द वाटर जो गाड़ी में कूलेंट होता है इसका नाम क्या होता है? इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि मुझे पता है, इट्स टास्क फॉर यू। आप कमेंट में जरूर बताना कि गाड़ी का क्या होता है कूलेंट का नाम। बाकी सब सेट है, अब चलते हैं यहाँ से बिलिंग वगैरह कराते हैं, निकलते हैं फिर वापस। थोड़ा सा ये रह गया कि बोनट थोड़ा जाम हो गया इसका, बोनट हल्का सा वो ऑयलिंग कर रहे हैं अब यहाँ पे हम इसकी, ताकि बोनट ठीक हो जाए क्योंकि ये बंद पड़ी थी ना, तो ये देख सकते हो बिल्कुल एकदम जाम हो गया है, बिल्कुल हिल नहीं रहा यहाँ पे, फिक्स है। गाइस आज मैं पूरी चेकिंग करा रहा हूँ तो एक से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें पता चल रही है ना। अभी तो ये हो गया कि जो हाई बीम है ना वो चल नहीं रही थी, वो मुझे पता था कि हाई बीम नहीं चल रही, बट बाद में एक चीज़ और हो गई है, वो ये है कि हमारी जो ब्रेक्स की लाइट है ना वो बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये थैंक गॉड मुझे भी पता चला, वरना कल को ये बहुत इशू हो जाता। ब्रेक के अलावा बाकी लाइट चल रही थी इसकी,
बस एक ही है कि ब्रेक लाइट का मसला है, क्योंकि कल को बाहर चला जाऊं तो पता ही नहीं चलेगा कि अगले बंदे ने ब्रेक दिया तो ठुक जाऊंगा गलती से। भी तार निकल गई है कुआं कहाँ पे? सारी कटी नहीं सी। अच्छा जी, इधर ही वायरिंग में दिक्कत है क्या? यहाँ पे फ्यूज चेक कर रहा था, तो फ्यूज चेक कर रहे हो यहाँ पे? तो भैया को काफी ज्यादा काम पे लगा दिया मैंने, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि सारा काम पहले ही देख लेना, मैं बस आके गाड़ी ले लूंगा। अब भैया को ये ख्याल ही नहीं रहा कि लाइट्स भी चेक करनी थी, जो मैंने पहले बताया था। चलो फाइनली हो गया, बट मेरा ये था कि गाड़ी वॉश करानी है। अगर मैंने गाड़ी वॉश पे लगाई जिस हिसाब का यहाँ पे वेदर हो रहा है ना, तो गाड़ी सूखनी नहीं अंदर से अगर मैटिंग रहा है। अब देखता हूँ, खाली बाहर से साफ कराऊंगा, क्योंकि ये हालत बहुत अजीब लग रही है इसकी। सो गाड़ी हो चुकी एकदम फाइनल क्लियर, साफ सुथरी हो चुकी गाड़ी। अब हम यहाँ से जल्द निकलते हैं घर। तो सारे काम डन हो गए एकदम, गाड़ी भी बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है, अब कोई आवाज नहीं, बिल्कुल स्मूथ। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग आपको भदरवा का मिलने वाला है। सो शो सम लव, शो सम सपोर्ट, सो दैट हम ज्यादा मोटिवेट हो जाएं आपके लिए डिफरेंट व्लॉग्स लाने के लिए। सो अब यहाँ पे फ्यूल एक बार फुल कराते हैं एंड निकलते हैं फिर यहाँ से। पेट्रोल प्राइस चेक कर लो यार, 100 रुपए का हो चुका है आज। मोदी जी कुछ करिए पेट्रोल का, कुछ करिए, बहुत महंगा हो रहा है। सो फाइनली गाइज वी आर गोइंग बैक अगेन, एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट। आप देख सकते होंगे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव है, बिकॉज अभी भीख मांग के फोन लेना पड़ा अपनी बहन से, बिकॉज वो अमीर है और मैं गरीब हूँ, उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। एंड आप यहाँ पे बस स्काई का कलर देख लो, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं घर से, काफी ठंड लग रही है इसलिए मैंने हुडी ऊपर से डाल दी, एंड चलते हैं हम पहले एक चक्कर मार के आते हैं सिटी का, उसके बाद वी विल गो फॉर बारबेक्यूज। सो गाइज फाइनली आ गई हमारी बारबेक्यूज यहाँ पे, कैमरामैन मुझे भी दिखाइए। सो वी विल एंजॉय अवर बारबेक्यूज, आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। So do subscribe the channel and बाकी बोलते हैं अब आपको barbecues complete करके। So here comes my barbecues. So that urge of having cold drink after barbecues is different. So with this I'm ending today's vlog. I hope आपको vlog पसंद आया होगा, and मिलते हैं आपको जल्द से जल्द एक नए vlog के साथ, नई location के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। Bye bye. Don't forget to subscribe the channel.